हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का जो है मंथली एग्जाम चल रहा है, जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। और आज हमारे पास आया हुआ है हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। आज इस क्वेश्चन पर हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, और जिसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग फटाफट से इसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, और जिसका हो गया आप लोग मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर पाए। ठीक है, यहाँ पे टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समय आपको 1 घंटा 30 मिनट करेगा। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मैं पहले सोल्यूशन करूंगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को आप लोग को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं सारे दोस्तों के साथ आप लोग इस क्लास को शेयर कर देना है, ताकि वो भी जो है एग्जाम से पहले इसको देख सके। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाकी जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग को जो पूछा जा रखा है, क्या पूछ रखा है कि किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो कह रहा है यहाँ पे किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट आंसर करना है वो करना है अलेक्जेंडर कनिंगम, यानी आंसर इस क्वेश्चन का डी पे हम लोग को राइट करना है, यानी भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है हम लोग किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। कई बार में क्वेश्चन ने कराया था आपको मृतकों का टीला, है ना, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है। ठीक है, इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, तो ये भी चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसकी खोज 1922 में हुई थी, ये भी चीज याद रखना है। इसकी खोज जो है राखल दास बनर्जी की थी, ये भी याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया था। चलो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, सारे क्वेश्चन वही आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर से नहीं आया हुआ है। 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन किया था, तो आप लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है हड़प्पा। तो आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है, क्योंकि यहाँ पे दयाराम साहनी पूछ रखा है। अगर आपको राखल दास पूछता तो मोहन तो लगाते, और हड़प्पा एक जो हुई थी 1921 में हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए लगाना है, और 1922 में मोहनजोदड़ो को जो हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया कि मोहनजोदड़ो पूछे तो आपको सिंधु लगाना है, अगर आपको हड़प्पा पूछे तो रावी लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो है लगाना है सिंधु, क्योंकि मोहनजोदड़ो पूछ रखा है, तो रावी नहीं लगाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा हम लोग को कि मनके बनाने वाला जो है प्रमुख केंद्र कौन था। ये क्वेश्चन आपको बताए थे, मनके बनाने वाला जो प्रमुख केंद्र जो मिला है वो आपका लोथल से मिला है। लोथल से ही जो है आपका क्या कहते हैं कि क्या मिला है, मतलब 15 के अवशेष मिला है। ठीक है, लोथल गुजरात में। सारी चीजें याद रखना आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि गोदीपारा के प्रमाण कहाँ से मिले, तो गोदीपारा के प्रमाण जो वो भी आपके लोथल से ही मिले हैं। गोदीपारा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो बोलोगे लोथल से मिले। गोदीपारा यानी बंदर का, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, गोदीपारा का मतलब क्या होता है, बंदर का। और साथ ही साथ आपको पूछेगा युगल सावधान, तो युगल सावधान के भी अवशेष जो आपको लोथल से मिले, तो याद रखेंगे युगल सावधान, गोदीपारा, ठीक है, और बंदर का जो भी बोले आप लोग को, तो ये सारे के जो अवशेष मिले वो लोथल से मिले। ठीक है, क्लियर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि 7वां क्वेश्चन, काली बंगाल किस राज्य में स्थित है। तो बताया था आप लोग को काली बंगाल के बारे में पूछे, तो आप लोग को क्या लगाना है, तो बोले सर राजस्थान लगा देंगे, काली बंगाल राजस्थान में, यहीं से तो हल के प्रमाण मिले थे, बताया था ना आप लोगों को, हल के प्रमाण मिले थे, उसके बाद चावल के दाने मिले थे, जोते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। क्वेश्चन 8 कह रहा है हम लोग को RS जो है विस्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन जो किया गया था वो आपका 1990 में किया था। कब किया गया था, 1990। हम लोग को आंसर डी पे राइट करना है। क्वेश्चन हम लोग को देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को विशाल स्नानागर के साक्ष्य जो है वो कहाँ मिले थे। तो विशाल स्नानागर का साक्ष्य जो आप सभी को पता होना चाहिए, ये मोहनजोदड़ो मिले थे। आपको बताया था मैं, कई भी कोई भी आपको विशाल पूछे तो आपको मोहनजोदड़ो लगाना है, चाहे स्नानागर पूछे, अन्नानगर पूछे, भवन पूछे, जो भी पूछे वो मोहनजोदड़ो लगाना है। कह रहा है किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रति, किस स्थल से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो बताया हल के जो है प्रमाण तो ऐसे जोते भी खेत के साथ काले बंगाल से मिले, यहाँ पे मिट्टी के बारे में पूछ रखा है, तो यहाँ पे बनवाली ये लगा दो, तो ऑप्शन डी पे लगाना। ठीक है, जोते हुए खेत के साथ और हल के प्रमाण जो काले बंगाल से मिले, लेकिन यहाँ पे आपको मिट्टी का पूछ रखा था। खैर, हम लोग को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है कौन था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो बताया आप लोग को, विशाल पूछे जो भी पूछे, तो हमारा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया था मैंने आप लोग को, सारे क्वेश्चन वही सारा आया है। ठीक है, राजधानी क्या है, मोहनजोदड़ो है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट करना है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो बोलो सर हड़प्पा, ये तो बताया था मैंने आप लोग को, रावी नदी किनारे स्थित, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा क्या हो जाएगा, वो जगह रावी नदी किनारे।
तो ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। सारे क्वेश्चन आप लोग को वही सारे आएगा। अगर आपको यहीं पे हड़प्पा सभ्यता पूछता ना तो फिर आपको सिंधु लगाना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता पूछता तो सिंधु, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा पूछ रखा सिर्फ, तो हम लोग को रावी लगाना है। ध्यान रखेंगे ये, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सी पे लगाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेक्षण की जो स्थापना वो कब हुई थी। देखो यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी वो 1961 या 1861 लगाना, ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग का आंसर लगाना लोहा। क्वेश्चन 17 कह रहा है हम लोग को निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता, तो बोलो सर सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता, तो ये तो हम लोग को लगाना सिर्फ ऑप्शन बी पे राइट कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी पे राइट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को बताया था ट्रिक सबसे सेफ सबसे सैंधव। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में किसने की थी, तो बोलोगे राफल दास बनर्जी ने किया था, आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग को लोथल किस नदी के किनारे स्थित, तो लोथल के बारे में पूछ रखा है, बताया था मैंने आप लोग को लोथल भगवान नदी किनारे स्थित होगा, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना, ठीक है। क्वेश्चन 20 का हम लोग को हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बोलोगे हड़प्पा सभ्यता पूछ रखा, बताया था मैंने कांसा की सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इस वजह से इस सभ्यता को कांसे युग की सभ्यता कहते हैं, तो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी पे हम लोग राइट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन करा है मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, तो बोलोगे मोहनजोदड़ो ये भी क्वेश्चन बताया था सिंधु भाषा शब्द है, ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है। चलिए आगे देखिएगा हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन करा है हम लोग को निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का नगर नहीं है, तो बोलोगे सर हड़प्पा का नगर इनमें से कौन नहीं होगा, तो बताया था आप लोग को ना कि हड़प्पा कालीबंगा लोथल ये सारे जो है हड़प्पा का नगर है, बट विजयनगर जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, तो ये हमारा क्या होगा नहीं हो जाएगा, तो आंसर हम लोग को क्या लगाना है सी पे लगाना है। इसकी स्थापना 1336 को हरिहर बुक्का ने किया था। कह रहा धौलावीरा किस राज्य में, तो बोलोगे सर धौलावीरा ये तो हमारा जो है गुजरात हमें हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लगाना है, धौलावीरा कहाँ पे गुजरात में। 24 नंबर क्वेश्चन करा है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में जो है सुतकांड और आलमगीर मंडा यहाँ पे पूर्व की बात पूछ रखी है, तो पूर्व में हम लोग को आलमगीर ही लगा देना, ऑप्शन डी पे राइट करेंगे, ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कर हम लोग को राजस्थान के खेतरी से किस धातु की प्राप्ति होती थी, तो राजस्थान खेतरी में तांबा है ना, तांबा ही लगा देना हम लोग को। 25 का ऑप्शन क्या लगा देना, ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है, ठीक है। चारों में से आंसर जो जाएगा कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन सी पे हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल जितना चेस्ट बताया राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, इनमें से किसको आप पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हो, तो बोलोगे सर भागनावश को रख सकते हैं, सिक्कों को रख सकते हैं, लेकिन साहित्य को नहीं रख सकते हैं, ऑप्शन डी लगाएंगे। एक पुस्तक होता है इसको हम लोग कैसे पुरातत्व के अंदर रखेंगे। 27 क्वेश्चन करा कि चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेखन किया था, तो बोलोगे सर चार्ल्स मैसन ने जो है सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेखन किया था, क्या लगाएंगे हड़प्पा टीले में का उल्लेखन किया था, ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर जो अर्नेस्ट मैके ने जो प्रकाश डाला था, आंसर बी पे लगाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सुमेरी अभिलेख में किस नाविकों का देश कहा जाता है, सुमेरी अभिलेखों में किससे नाविकों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग को लगा देना है मलेहवा, क्या लगाना है मेलुहा, ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे ए पे राइट लगा देना है, ठीक है क्या लगाना है ऑप्शन ए पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 30 पूछ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तक की नर्त करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो जैसे कि देख पा रहे हो आप लोग आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 1 से 10 रहेगा और 5 प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक के 2 अंक आपको मिलने वाले, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछ रखा है ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की 2 विशेषताएं बताएं। लोथल कहाँ है, बंदरगाह के रूप में इसका क्या महत्व है। ये सारे क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन देंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं इसमें आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, इसमें आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हड़प्पा सभ्यता में शवों के दाह संस्कार 2 प्रकार लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। उसके लिए हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के 2 साधनों को लिख क्या थे वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है, इसके बाद मोहनजोदड़ो के विस्तार के बारे में 2 विषय लिखे हैं, तो वो 2 मार्क्स वाला हो गया। चलिए तो इधर देखो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए, जैसे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें, हड़प्पा सभ्यता के वाणिज्य एवं व्यापार का वर्णन करें,
मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की चर्चा करें। तो ये आपको जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 का ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाइव में जो है सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, टोटल जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं से एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।